नमस्कार, स्वागत है आपका धोबी घाट पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, फिर लाया हूं खबर के पीछे की खबर। खबर यह है, 31 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने सचिव जीएस मिश्रा को रिटायरमेंट के 3 घंटे पहले प्रिंसिपल सेक्रेटरी बना के प्रमोट किया। जब मिश्रा जी को प्रमोशन दिया तो मजबूरी में उनसे सीनियर और उन्हीं के बैच के उनके बराबर जो अधिकारी है उन्हें भी सरकार को प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाना पड़ा। जैसे अमित अग्रवाल 93 बैच के है, उससे 1 साल सीनियर है, उन्हें भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया। ऋचा शर्मा, निधि छिब्बर, विकास शील और मनोज पिंगुआ, इन अधिकारियों को इसलिए प्रमोशन देके प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाना पड़ा क्योंकि मिश्रा जी प्रमोटी आईएएस ऑफिसर थे और ये अधिकारी रेगुलर। प्रमोटी आईएएस ऑफिसर को प्रिंसिपल सेक्रेटरी बना के उन्हीं के बैच के यदि बाकी लोगों को निगलेक्ट किया जाता तो ब्यूरोक्रेसी में एक गलत संदेश जाता। और ये अजूबा छत्तीसगढ़ में पहली बार नहीं हुआ। 2015 में आईजी आरसी पटेल जब रिटायर्ड हो गए और रिटायरमेंट के बाद विदाई समारोह में जीप में बैठ के जब बाहर जा रहे थे तब उन्हें एडीजी बनाया गया, यानी एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। खबर के पीछे की खबर यह है, मात्र 3 घंटे के लिए मिश्रा जी को प्रिंसिपल सेक्रेटरी इसलिए बनाया गया कि वो मुख्यमंत्री के निहायत करीबी माने जाते हैं। इसके पहले जब वो एक्साइज कमिश्नर थे तो आनंद फानंद में उनको उनके पद से हटाया गया। तब चर्चा जोरों पे थी कि कुछ पैसे का लेन देन होना था, वो नहीं हो पाया इसलिए उनको हटाया गया। बाद में ये भी कहा जाता है मिश्रा जी ने अपने आकाओं को इस बात से आश्वस्त किया कि ये पैसे के लेन देन में उनकी कोई गलती नहीं थी, जो बिचौलिया था उसने गड़बड़ की थी। उसके बाद वो लगातार सत्ता से सहानुभूति बटोर रहे थे, उसी के कड़ी में ये प्रमोशन माना जाता है। रायपुर में चर्चा ये भी जोरों पे है कि मिश्रा जी को शीघ्र ही सरकार या तो किसी कमीशन पे या किसी आयोग पे नियुक्ति दे देगी। जैसे 1915 में आईजी आरसी पटेल को रिटायरमेंट के बाद प्रमोशन देके एडीजी बनाया गया और उसके बाद उन्हें अकाउंटेबिलिटी कमीशन का मेंबर बनाया गया। जो हो रहा है उसे देख के तो लगता है छत्तीसगढ़ की सरकार अधिकारियों की सरकार है, अधिकारियों के लिए है और अधिकारियों द्वारा है। यह है खबर के पीछे की खबर, देखते रहिए धोबी घाट।